अभावीप के द्वारा शैक्षणिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर जिला सम्मेलन का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना के 75 वर्ष की यात्रा में अपने आंदोलनात्मक एवं रचनात्मक कार्य के माध्यम से समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। वहीं इस मौके पर अभावीप के द्वारा जिला छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला संयोजक अभिषेक पाठक मौजूद रहे। वहीं पूरे कार्यकर्ताओं में प्रदीप कुमार, मनोज गुप्ता, रवि रंजन समेत अन्य कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं कॉलेज के प्राचार्य अजय कुमार पंडित जी के द्वारा महत्वपूर्ण बातों को बताया गया, साथ ही साथ छात्र हित से जुड़े मुद्दों को उठाने का प्रयास भी किया गया। वहीं इस मौके पर सभी प्रखंडों के छात्र छात्राएँ मौजूद रहे, जिन्हें कहा गया कि यदि वो संगठित होकर कार्य करेंगे तो किसी भी कार्य में सफल होंगे। वह इस मौके पर काफ़ी संख्या में युवा छात्र छात्राओं नजर आए। वहीं सभी के मुद्दे को उठाया जाएगा तथा एबीवीपी को पुनः संगठित कर जिले में उच्च स्तरीय पहचान दिलाई जाएगी। देखिए, हम लोगों ने अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किया है कि छात्रों को एकजुट करें और छात्र शक्ति को दिखाएं, जो कि राजभवन एवं राज्य सरकार को ये बता सके कि छात्रों में कितनी शक्ति है, छात्रों में कितनी ऊर्जा है। क्योंकि ये जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और विद्यार्थी एकजुट होकर इस कार्यक्रम में जुड़े और जुड़ने के साथ साथ ये संदेश दिए कि छात्र जब जब डोला है राष्ट्र शासन डोला है, छात्र जब जब बोला है राष्ट्रीय आसन डोला है। और इसके माध्यम से हम लोग जो विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में शिक्षा के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार, शिक्षा में हो रही धांधली को रोकने का प्रयास इस सम्मेलन से किया गया है। मैरवा, गोरिया कोठी, भगवानपुर, हसनपुरा, तमाम जगहों से छात्र छात्राएं यहाँ पहुँचे। जी एकदम आगाज़ इसको कह सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगा, छात्र छात्रा एकजुट हुए और हमें आशा है कि ये काम बहुत अच्छे से चलेगा और विद्यार्थी परिषद आगे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त करेगा। अभिषेक पाठक, जिला संयोजक, विद्यार्थी परिषद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक का आयोजन हुआ, कैसा सफल रहा? 400 प्रतिनिधि से सभा में उपस्थित हैं और JPU विश्वविद्यालय के तमाम मुद्दों को लेकर आज छात्र ने अपना बातों को रखा और जो KG से लेकर PG का से दुर्व्यवहार है विश्वविद्यालय कैंपस में, उस पर सभी लोगों ने एक DM को ज्ञापन देकर आज हम उस कार्यक्रम में भाग लिए। सभी प्रखंडों से छात्र उपस्थित हैं, शिवान, मैरवा, जीराजई, भगवानपुर, दरौली, ये सभी जगह से छात्र आए हुए थे। पूरा एकजुट के साथ हम लोग खड़े हैं और कोई बिखराव नहीं है, बस एक हुंकार भर के फिर शिक्षा बचाओ आंदोलन को लेकर हम लोग JPU विश्वविद्यालय का घेराव करेंगे। मनोज कुमार, प्रदेश राष्ट्र समिति सदस्य, शिवा।